हेलो नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अर्थमैट काफ़ी स्टूडेंट को बहुत दिन से इंतज़ार था कि सर अर्थमैटिक कब स्टार्ट होगा तो आज वो टाइम आपका आ चुका है हमने मिशन स्टार्ट किया है बैंक पीओ यानी कि 2024 में बैंक पी की जॉब आप लोगों को लेनी ही लेनी है अगर कोई फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहा है या उसको लगता है कि सर आ, इस साल हम पी की तरफ शायद ना जा पाएँ तो भाई इतनी जल्दी आपको उम्मीद भी नहीं हारनी है एक बार कोशिश करो सिलेबस अनलिमिटेड नहीं है काफ़ी कम सिलेबस है अगर सही प्लान के साथ में चलोगे तो आप इसी साल पीओ की जॉब भी निकाल सको बिल्कुल आप कहोगे सर चार महीने बचे हैं बिल्कुल चार महीने काफ़ी हैं चार महीने एकदम परफेक्ट टाइम है आपका पीक टाइम है तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं और जो भी सब जुड़ चुके हैं सभी का वेलकम है सबको नमस्ते चलिए तो हम स्टार्ट करेंगे अर्थमेटिक में अर्थमेटिक में सबसे पहले टॉपिक लेंगे परसेंटेज तो परसेंटेज से स्टार्ट करते हैं पहली क्लास बिल्कुल एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे जीरो लेवल से जाएंगे आपके बिल्कुल पीओ और मेंस लेवल तक तो थोड़ा लॉन्ग चलेगा टॉपिक बट बेस बनाना बहुत ज़रूरी है अगर बेस आपका कमज़ोर है तो सुनिएगा अगर आपको परसेंटेज में मैंने जितना टाइम एक्स्ट्रा दिया तो समझिए कि अगर आपने परसेंटेज अच्छा कर लिया तो आपका जो प्रॉफिट लॉस है उसमें आपको कम टाइम लगेगा एस है सी है मिक्सर है डी है इन सब में आपको टाइम है वो बहुत कम लगेगा है ना अगर आपने परसेंटेज अच्छे से किया तो और अगर आपका परसेंटेज ही कमज़ोर रह गया तो फिर आपको प्रॉफिट लॉस बिल्कुल नहीं आएगा एस SI आई नहीं आएगा सी आई नहीं आएगा मिक्सचर uh, और एलिगेशन नहीं आएगा आपको डी आई नहीं आएगा इतने टॉपिकों को तो आप भूल जाना कि ये आपको आएंगे तो परसेंटेज बहुत ज्यादा जरूरी है और आज हम पढ़ने वाले हैं इसका बिल्कुल एकदम बेसिक तो जो सब भी जुड़ चुके हैं भैया सभी स्टूडेंट को गुड इवनिंग सभी का वेलकम है चलिएगा स्टार्ट करते हैं हम लेट्स सी परसेंटेज पहले इसके नाम से पता लगाइए परसेंटेज पर मतलब प्रत्येक है ना सेंटेंस का मतलब यहां पर कह रहा है पर हंड्रेड की बात हो रही है प्रति सत प्रति का मतलब प्रति का मतलब क्या होता है प्रति प्लस सत यानी कि प्रत्येक प्रतीक, प्रतीक सौ में से यानी कि अगर आपको कभी भी बात प्रत्येक सौ में से करनी है तो उसी को क्या बोला जाएगा वहां पर परसेंटेज यानी कि प्रतिशत तो यहां पर बात हो रही है प्रतिशत की ठीक है सर सौ में से कैसे डट सपोज सुनिएगा मेरे पास में आज हंड्रेड रुपीज़ हैं मेरे पास में आज कितने रुपीज़ हैं हंड्रेड रुपए हैं मैं आप लोगों को इसमें से थर्टी रुपीज दे देता हूँ कितने दे दिए मैंने थर्टी दे दिए अब मैं आपको पूछूँ कि बताओ मैंने आपको कितने परसेंट दिए बताओ मैंने कितने परसेंट दिए तो आपको कुछ भी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है आप सीधा सीधा सब कहोगे सर ये तो सौ में से ही दे रहा है सौ में से दे रहा है तो सर यही थर्टी परसेंट है बात ख़त्म सॉल्व करना ही मत गलती से भी सॉल्व मत करना टाइम वेस्ट मत ये तो हुआ बिल्कुल आपकी बात अब बात सुनिएगा अगर मेरे पास में दो सौ रुपये हैं मेरे पास में अब दो सौ रुपये हैं और मैंने आपको दे दिए अस्सी रुपये तो ज़रा बताइएगा कि मैंने आपको कितने परसेंट रुपए दे दिए जरा बताना दो सौ रुपए मैंने आपको अस्सी रुपए अस्सी रुपए लो चॉकलेट वगैरह खानी है भाई इंजॉय करना है मजे करने हैं पार्टी करनी है है ना अस्सी रुपए में होगी तो नहीं बट ये परसेंट कितना है तो पास सुनिएगा अगर मैं दो सौ में से अस्सी दे रहा हूं तो आप इतना सोचना सर के पास अब दो सौ रुपए हैं तो सर ने अस्सी दिए अगर सर के पास में इसके आधे होते आई मीन सौ रुपये होते तो सर हमको भी आधे देते दैट मीन्स चालीस देते तो सीधा सा चालीस परसेंट है बट आप कहोगे सर ये तो इजी कैलकुलेशन है डिफ़िकल्ट आएगा तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं सिर्फ मैं आपको आइडिया बता रहा हूँ बताइए बता दोगे कि नहीं परसेंटेज का मीनिंग क्या है अब पॉइंट को सुनिएगा यहाँ पर ये चालीस परसेंट आया कितने रुपए? चालीस अस्सी रुपए हैं वो चालीस परसेंट आया तो ये बताओ क्या चालीस परसेंट चालीस रुपए के बराबर होगा ऐसा कह सकते हैं तो आप कहोगे नहीं सर मैं कह रहा हूँ क्या चालीस परसेंट है यही है क्या चालीस रुपए के बराबर तो आप कहोगे नहीं सर रुपए अलग चलता है परसेंट अलग चलता है परसेंट का मतलब होता है कि सर हमारे पास करोड़ों का व्यापार चल रहा है अब करोड़ों का डेली डेली बात करेंगे कि भाई तेरे इतने करोड़ तेरे इतने करोड़ तेरे इतने करोड़ कन्फ्यूज़न हो जाएगी मान लो कि चार लोग हैं बिजनेस कर रहे हैं करोड़ों का बिजनेस है किसी के बीस करोड़ हैं किसी के पचास करोड़ हैं कोई किसी के इतने करोड़ हैं कोई किसी के इतने करोड़ हैं अब क्या डेली ऐसे चलेगा नहीं जब फाइनल हिसाब करना होगा उनको प्रॉफिट हुआ प्रॉफिट डिवाइड कैसे करेंगे तो वो क्या करते हैं अपना परसेंट देख लेते हैं कि मैंने कितना परसेंट लगाया जैसे कि मानो सौ करोड़ की कंपनी है तो उसको वो 100 परसेंट के इक्वल मान लेंगे फिर देखेंगे कि 100 के अकॉर्डिंग एक ने कितना लगाया दूसरे ने कितना लगाया तीसरे ने कितना लगाया फिर चौथे ने कितना लगाया उस हिसाब से बांट तो परसेंटेज जो है वो रियल रुपए के बराबर नहीं है बट एक कंपेरिजन करने के लिए है मतलब आपको किसी चीज की तुलना करनी है तो सौ का यूज करते हैं चलिए समझ में आ गया अब यहां पर स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक अब देखिए ये तो था छोटी मोटी बेसिक कहानी अब आपको इसमें दो पार्ट देखने पड़ते हैं एक तो है फ्रैक्शन एक तो आपको क्या देखने को पड़ता है फ्रैक्शन देखने को पड़ता है और दूसरा आपको देखने को मिलेगा यहां पर परसेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपने ये दोनों को समझा तो आपकी स्पीड बढ़ेगी अभी हमें चर्चा किस पे भी करनी है अपना बेसिक भी सुधारना है एंड साथ में सर स्पीड पे भी फोकस करना है तो आपको क्या मिलेगा कि फ्रैक्शन वैल्यू मिलेगी उसको किस में कन्वर्ट कर दीजिए परसेंटेज में और परसेंट इसको कन्वर्ट कर दीजिए फ्रैक्शन वैल्यू में तो कैसे करते हैं उसको जरा समझिएगा सुनिए मैंने सपोज करो कि मैंने लिखा वन बाई टू मैं बोलूं इसको हम अपनी लैंग्वेज में क्या कहते हैं वन बाई टू को वन बाई टू को हम अपनी लैंग्वेज में अपनी लैंग्वेज में मतलब अरे यार हम इंडियंस है ना इंडियंस में क्या बोल देते हैं इसको बोलते हैं आधा इसको क्या बोलते हैं आधा पूरी इंडिया में बोला जाता है ठीक है इसको बोलते हैं आधा अब कहोगे सर आधा ये क्या बात होती है मैं बताता हूँ और बताऊंगा वन बाई फोर इसको क्या कहते हैं इसको बोल देना वन बाई फोर वन बाई फोर मतलब समझ गए होंगे इसको क्या बोलेंगे वन बाई टू वन बाई फोर वन बाई थ्री देशी भाषा का यूज करें आधा एक चौथाई एक तिहाई अब कहोगे सर इसे ये क्या बता रहे हो सुनिएगा अगर आपने फ्रैक्शन को समझ लिया तो आपका रेशियो आधा तो यहीं खत्म हो जाएगा जो तो ट्रिक पढ़ते हैं वो भी आधी यहीं खत्म हो जाएंगी। कैसे हाफ का मतलब होता है कि मतलब ऐसे फ्रैक्शन में लिखी है कि हमारे पास में अगर टोटल दो रुपए हैं तो उसमें से लेन देन जो हमको करना है लेन देन जितना करना है वो ऊपर का नंबर होता है फ्रैक्शन कभी भी लिखा होता है तो उसमें दो नंबर मिलेंगे एक ऊपर एक नीचे तो सुनिएगा फ्रैक्शन में क्या कहता है जो टोटल है वो नीचे वाला होता है लेन देन जो करना है वो ऊपर वाला होगा ठीक है हाफ में हाफ चलिए देखते हैं आप में आप कह सकते हो चलिएगा टोटल कितना हुआ दो लेन देन कितना एक अब बताओ मेरे पास अगर दो रुपए तो में चार में तो से एक अगर मैं आपको रुपए दे दू तो वन फोर्थ हुआ कि नहीं हुआ एक बटे चार मतलब एक चौथाई हुआ इसको कैसे लिखोगे टोटल कितने रुपए हैं तीन रुपए लेन देन कितने का करोगे एक का ये बहुत ज़रूरी चीज़ें आपको लग रही होंगी सर ये बच्चों वाली चीज़ बता रहे बिल्कुल बच्चों वाली और देखना मैं इन्हीं से आगे जाके कैसी कैसी ट्रिक बनाऊंगा आपकी है ना बहुत ट्रिक काम आती है अनलिमिटेड पूरा का पूरा बैंकिंग का सेक्टर है ना इन्हीं पर फ्रैक्शन पर आपका चलेगा हम इससे ट्रिक बनाएंगे तो आपको ये ध्यान रखनी है अगर किसी को याद रहे तो बहुत अच्छी बात नहीं तो पेन कॉपी लेकर बैठो और ये यहाँ से लिखना स्टार्ट करो कि फ्रैक्शन में जो नंबर होते हैं ऊपर वाला और नीचे वाला वो कौन कौन होते हैं नीचे वाले को क्या बोलते हैं टोटल ऊपर वाले को क्या बोलते हैं यहाँ पर लेन देन जो करना होता है वो चलिए बीच में काफ़ी स्टूडेंट हमारे जुड़े जिनके मैंने मैसेज तो देखे बट मैं समझा रहा था इसलिए रिप्लाई नहीं कर पाया सभी स्टूडेंट का फिर से वेलकम है सभी स्टूडेंट का का वेलकम है और सभी को गुड इवनिंग ठीक है सभी को गुड इवनिंग चलिए आई थिंक आप इसका मीनिंग तो समझ गए अब बोलेंगे सर इसका क्या आप परसेंटेज में भी बात करते हैं सुनिएगा एक बटे दो मतलब आधा हो गया? परसेंटेज में किसको आधा बोलेंगे आप बताइए परसेंटेज में किसको आधा बोलेंगे मतलब आप बोलेंगे फिफ्टी अरे परसेंटेज की अगर बात करें तो उस परसेंट कितने में से चलता है हंड्रेड में से तो ये होता है कंप्लीट ये है कंप्लीट टोटल तो टोटल तो कितना है यहां पर अगर हम बात कर लें तो हंड्रेड है और ये है एक बटे दो मतलब आधा आधे का मतलब होता है पचास परसेंट तो इसका मतलब हुआ एक बटे दो को अगर मुझे परसेंटेज में लिखना है अगर एक बटे दो को मुझे परसेंटेज में लिखना है तो कितना परसेंट लिखूंगा यहां पर पचास परसेंट चलिए तो कितना लिख दिया मैंने पचास परसेंट ओके अब इसको कि सर ये तो आपने डायरेक्टली लिख दिया लेकिन करेंगे कैसे तो सुनिएगा इसमें सिर्फ एक ही गेम होता है इसमें एक ही गेम है और वो गेम है सिर्फ हंड्रेड का या तो मल्टीप्लाई कीजिए या डिवाइड कीजिए क्या करना है अब पॉइंट टू पॉइंट सीधा सा हम सुनते हैं एक वटे दो लिखा था आप बताओ इसको मुझे फिफ्टी परसेंट बनाना है तो इसमें मैं हंड्रेड ऊपर लिखूं या नीचे रखूं तो आपको क्लियर है सर नीचे रखोगे तो बढ़ जाएगा ऊपर रखो तो ये बन जाएगा अब मैं सीधा सीधा सा यहां पर लिख देता हूं सुनिए अब आपको यहां से नोट करना है सुनना पहले हम पढ़ते हैं परसेंटेज टू फ्रैक्शन ठीक है यानी कि परसेंट को भिन्न में बदलना कैसे बदलते हैं पॉइंट को देखिएगा मैंने लिखा अगर आपको लिखा दस परसेंट अब मैं इसको बोलूं कि आप इसको भिन्न में लिखकर बताइए इसको भिन्न में लिखकर बताइए कितना लिखोगे तो आप कुछ भी मत करना सीधी सीधी सी बात जब भी परसेंट लिखा हो परसेंट हटा दीजिए नीचे सौ लिख दीजिए परसेंट उठा दीजिए नीचे सौ लिख दीजिए इसको सॉल्व करेंगे तो जीरो से जीरो ये हो गया एक वटे दस अब पॉइंट को सुनिएगा एक वटे दस क्या बताता है कि अगर मेरे पास टोटल दस रुपए हैं तो मैं उसमें से आपको कितने रुपए दूंगा एक रुपए दूंगा दूंगा कि नहीं यही मीनिंग हुआ तो यहां पर बताइए दस परसेंट का क्या हुआ दस परसेंट ये कहना चाह रहा है सौ में से दस तो बताइए यही सेम हुआ चलिए कन्वर्ट कर दोगे तो बताइए ट्वेंटी परसेंट को कितना लिखोगे 20% को कैसे लिखोगे 20/100 कैंसिल करोगे तो 1/5 चलिएगा 25 को कितना लिखोगे 25 को आप लिखोगे 25/100 तो ये कितना हो गया 1/4 बताओ हो गया कर लेंगे चलिए बिल्कुल आ, सभी स्टूडेंट का बिल्कुल वेलकम है कुछ स्टूडेंट लेट जुड़े हैं सभी का बिल्कुल वेलकम और ये क्लास आपको कंटिन्यू सभी को लेनी है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली आज की और इनको मेरे साथ में कीजिएगा चलिए एक पार्ट तो इधर का हुआ आप कर दोगे परसेंटेज टू फ्रैक्शन में कर दोगे लेकिन दूसरा आता है फ्रैक्शन टू परसेंटेज यानी कि आपको कौन सा इनको को परसेंट में बदलना कैसे बदलेंगे देखिएगा अब आपको भिन्न बनी आएगी पहले से ऑलरेडी जैसे कि आपके पास में लिखी है एक बटे दो भिन्न आप कुछ मत करना अगर भिन्न दे रखी है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है पिछले वाले से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसको याद कर लीजिएगा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है लास्ट वाले से इस वाले से ठीक है ये ज्यादा है क्यों है सुनिएगा एक बटे दो आई है आपको अगर इस तरीके से भिन्न नजर आ रही है तो आप भिन्न में सौ का गुणा कर दो आप परसेंटेज में आंसर हो गया टू से इसको हंड्रेड से कैंसिल आउट करोगे कितना परसेंट आया फिफ्टी परसेंट बोलो यही था वन बाई फोर आया वन बाई फोर को कितना वन इंटू थ्री ये करोगे तो डिवाइड करोगे तेतीस सही एक वटे तीन परसेंट कह लो या तेतीस पॉइंट तेतीस परसेंट कह दो वो लोग कर दोगे तो एक वटे पांच को आप मुझे करके बताइए कि एक वटे पांच को कितना करोगे और ये लीजिए ये आपके लिए है और इसका जल्दी से इसको नोट कर लो फटाफट सभी फ्रेंड्स जल्दी से इसको नोट करेंगे सभी इसको जरूर नोट कीजिएगा और नोट नहीं कर रहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए बहुत जरूरी है ये चलिएगा जल्दी से कीजिए इसको वापस से रिपीट कर देता हूं अगर आपको परसेंट दिखे हटाना चाहते हो नीचे 100 लिख दीजिए परसेंटेज लगाना चाहते हो तो भिन्न होनी चाहिए यानी कि फ्रैक्शन होना चाहिए उस फ्रैक्शन में आप 100 का मल्टीप्लाई करोगे और जैसी मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा चलिए आंसर दिया है हाँ आंसर दिया है दिया और सिंधी बिल्कुल कैसे करोगे भाई इसको कैंसिल आउट 20 तो ये कितना परसेंट हो गया 20 आप कहोगे ये तो था देखो जीरो लेवल से भी जीरो लेवल पर भी और भी जीरो लेवल मतलब वहां से शुरू जो हर स्टूडेंट को पहले से आना चाहिए बट मैं मान के चलता हूं आपको कुछ नहीं आता मैं उसके अकॉर्डिंग आपको चलिए ले रहा हूं अब आ जाते हैं आगे सर स्पीड की बात आपने की थी सुनिएगा तो स्पीड अगर आपको यहां पर फ्रैक्शन वैल्यू दी जाए फ्रैक्शन से आपको वो कन्वर्ट किस में करनी है परसेंटेज में करनी है तो आप मुझे कन्वर्ट करके बताओ मैं यहां पर लाइन से लिखता हूं एक है वन बाई टू अगला वन बाई थ्री वन बाई फोर वन बाई फाइव अब आप कहोगे सर क्या करवाना चाहते हो इसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट करके बताइए इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे वन बाई टू इन टू कितना कर देंगे हंड्रेड कितना परसेंट आया फिफ्टी आप कहोगे सर वापस क्यों लिख रहे हो अरे मैं पूरा ही लिखूंगा सिक्वेंस से वन बाई थ्री इंटू कितना हंड्रेड आप डिवाइड करोगे थर्टी थ्री वन बाई थ्री परसेंट कह लो या फिर आप इसी को कह सकते हो तैतीस पॉइंट तैतीस परसेंट ठीक है वन बाई फोर को कितना लिखोगे वन बाई फोर को आप लिखने वाले हो हंड्रेड यानी कि ट्वेंटी फाइव परसेंट वन बाई फाइव को क्या लिखने वाले हो वन बाई फाइव को इसी तरीके से लिखोगे कितना परसेंट ट्वेंटी बोलो यहाँ तक लिख दोगे यहाँ तक तो लिख दोगे लेकिन हमें इसमें और आगे तक पढ़ना है अब मेरे साथ में यहाँ तक करते जाइए वन बाई सिक्स वन बाई सिक्स को बोलो कितना लिखोगे सोलह पॉइंट सिक्स सिक्स परसेंट लिखना है या फिर आप इसको करोगे तो सोलह सही दो बटे तीन परसेंट बोलो करके बता दोगे कि नहीं पेन कॉपी उठा लीजिए साथ के साथ में मेरे साथ में इसको कीजिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ बट आपको पता है ना कैसे करना है अभी अभी सिखाया लिखिए और कीजिए कॉपी में साथ के साथ में कीजिए और जो आपको नहीं आए वो मुझे पूछिए कि सर ये कैसे आया ठीक है वन बाई सेवन वन बाई सेवन को हम लिखेंगे फोर्टीन पॉइंट टू एट परसेंट या फिर हम लिखेंगे फोर्टीन टू बाई सेवन परसेंट ठीक है वन बाई एट की बारी आती है वन बाई एट को हम लिखेंगे ट्वेल्व पॉइंट फाइव परसेंट और ट्वेल्व वन बाई टू परसेंट वन बाई नाइन आता है वन बाई नाइन को एलेवन पॉइंट एलेवन परसेंट और एलेवन सी एक बटे नौ परसेंट अब एक वटा दस आता है एक वटा दस को हम लिखेंगे सीधा सा दस परसेंट बोलिए लिख दोगे कि नहीं बिल्कुल फोर्टीन पॉइंट टू एट सिक्सटीन पॉइंट सिक्स बिल्कुल चलिए पहले तो इसका जल्दी से स्क्रीन ले लो अब मेरी बात सुनिए यहाँ कहोगे सर ये तो हम ही निकाल लेंगे अरे निकालना नहीं है याद होने चाहिए जो मेरे अच्छे स्टूडेंट हैं पहले तो एक बार मुझे वापस से बताना कि कौन कौन हैं जो ये मानते हैं कि हाँ सर अच्छा पढ़ाते हैं हमारे लिए फ़ायदेमंद है और हम सर की बात मानेंगे तो वो स्टूडेंट मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हाँ सर हम कर लेंगे तो सुनिएगा मैंने यहाँ पर जितनी भी फ्रैक्शन वैल्यू आपको लिखवाई हैं वो आपको कल तक याद होनी चाहिए आप कहेंगे मैथ में सर याद बिल्कुल मैथ में याद क्यों क्योंकि भाई हमको स्पीड का है पेपर में आप चाहो तो निकाल सकते हो वन बाई एट को ट्वेल्व पॉइंट डिवाइड करोगे मतलब इंटू हंड्रेड लिखोगे लिखोगे ना कैसे करोगे वो तो मैंने बताई दिया हंड्रेड इंटू फिर डिवाइड करोगे टाइम लगेगा इतना टाइम है नहीं हमारे पास में अर्थमेटिक में आपको नंबर भी लेने हैं ओनली बेसिक नहीं करना है नंबर भी करने हैं ठीक है तो कौन कौन करेंगे एक तो भाई सिंदे बिल्कुल पक्का कल तक आपको याद करना है ठीक है हाँ दिया बिल्कुल कर लेंगे ठीक है ये नाम ले रहे हैं ना ध्यान रखना मैं ऐसे मेमोरी में याद कर रहा हूँ मैं कल इनसे पूछूंगा और ये इनमें से कुछ बच्चे हैं वो पेड क्लास वाले हैं तो उनके तो मेरे पास में कॉन्टेक्ट नंबर हैं तो उनकी तो मैं वहाँ पर क्लास ले लूँगा अगर याद नहीं करते तो ठीक है और जो बाकी के नहीं है अगर वो चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हो तो आप पे भी फोकस रखेंगे चलिए बिल्कुल चलिए हाँ परमेश्वर कर लेंगे दिया कर लेंगे हाँ नंदनी बिल्कुल राजौश्री ओके ओके चलिएगा तो देखिए ये तो हो गया कहाँ तक हो गया वन बाई टेन तक हो गया अब इसके बाद में आगे देखिए वन बाई इलेवन ये भी याद करना है भाई नाइन पॉइंट जीरो नाइन परसेंट और नाइन वन बाई इलेवन परसेंट ठीक है इसके बाद में वन बाई ट्वेल्व का अगर आता है तो वन बाई ट्वेल्व को हम लिखेंगे एट पॉइंट थ्री थ्री परसेंट और एट सही एक बटे तीन परसेंट एक वटा तेरह की बात करें तो तेरह सत्ते इसको हम जैसे तेरह सत्ते और यहाँ पर नाइन बटे में तेरह इसको पॉइंटों में नहीं मिलेगा एक वटा चौदह की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये मिल गया यहाँ पर सात और यहाँ पर दो तो यहाँ एक बटे सात ठीक है एक वटे सात परसेंट ठीक है ये आपको करने हैं यहाँ तक और एक अगर पंद्रह की हम बात कर लेते हैं तो पंद्रह से अगर आपको करने हैं छ सही दो बटे तीन परसेंट ये आपको कल तक याद हो जाए हमने केवल कहाँ तक लिखे हैं पंद्रह तक अमन राह यस ओके चलिए एक बटा पंद्रह तक मैंने लिखे हैं आई थिंक आप कर लोगे कर लेंगे कि नहीं कर लोगे मान के चलूं ऐसा कि आप कर लेंगे अच्छे बच्चे चलिएगा अब देखिए एक दो हो सकते हैं कि आप एज में काफ़ी स्टूडेंट ऐसे भी हो सकते हैं कि एज में मेरे बराबर हो तो उनको मैं बोल देता हूं तो उस चीज़ को माइंड पे मत लेना कि सर हमारे यहाँ कुछ स्टूडेंट के एज के बराबर के हैं और हमको स्टूडेंट बोल देते हैं ठीक है तो वो खिलौ में निकलता है ओके चलिएगा अब देखिए इसके अलावा क्या कलाकारी आपको याद करनी है क्या क्या करना है उस पर फोकस कीजिए ये तो हो गया वन बाई ठीक है आपने ये स्क्रीन ले लिया सभी स्टूडेंट ने सब ने स्क्रीन ले लिया अब मैं इसको मिटाता हूं यहां पर देखिएगा अब आपको क्या आता है ये तो जो अभी तक हम पढ़ रहे थे ना ये अभी तक जो कलाकारी इतना जो भी हमने पढ़ा है ये तो आपको देखने को मिलेगा कौन से एग्जाम में आपके क्लर्क वाले में पीओ पे भी जाएंगे ये तो पीओ क्या कहता है सुनिएगा आपको एग्जाम में मिलेगा टू बाई सेवन अब इसको कन्वर्ट कीजिएगा अब इसको कन्वर्ट कीजिए किस में कन्वर्ट कीजिए परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए अब आप कहोगे सर आपने तो वन बाई सेवन पढ़ाया था हम याद करके तो चले जाएंगे आपको सेम करना है यार कुछ नहीं करना है इसको टू इंटू वन बाई सेवन लिख सकते हैं तो टू इंटू वन बाई सेवन को क्या लिखते हैं फोर्टीन पॉइंट टू एट परसेंट बोलो लिखते हैं तो टू का मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव सिक्स परसेंट समझ में आया कि नहीं आया पेपर में ऐसे करना नहीं है ये माइंड की प्रोसेस है जो आपको करनी है समझ में आगे बात की नहीं आई चलिएगा आपको आ जाए कि यहाँ पर फोर बाई नाइन है इसको परसेंटेज में चेंज कीजिएगा तो आप जानते हो वन बाई नाइन कितना होता है इलेवन पॉइंट इलेवन होता है सुनिए तो यहां पे इलेवन पॉइंट इलेवन होता है आपने कि सर इलेवन बाई इलेवन होता है तो इसको क्या लिखे अरे यार चार है ऊपर तो इसको लिख दो फोर्टी फोर पॉइंट फोर फोर परसेंट और फ्रैक्शन में उसमें लिखना है तो 44 देखो यहां पर अगर चार का गुणा करना है तो इसमें करोगे तो 44 और ऊपर भी करना होता है तो चार बटे नौ नीचे का भी नहीं करना होता ये निकल आया ये निकल आया बोलिए कर दोगे शॉर्ट में कि नहीं चलिए बताइए कर देंगे कि नहीं कर पाऊंगे चलिए ये बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए करना आई थिंक आप इतने को कर देंगे ठीक है कर देंगे कोई डाउट किसी भी फ्रेंड को तो आप बोलोगे नहीं आप सुनिए हमने वन बाई एट का यह याद किया इतने से काम नहीं चलेगा आपको इसका रिवर्स याद करना पड़ेगा अभी मैंने फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट पढ़ा अब हम पढ़ेंगे कि परसेंटेज कन्वर्ट किस में करना है फ्रैक्शन में तो अलग नहीं है सेम है ट्वेल्व पॉइंट फाइव परसेंट आया उसका फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी वन बाई क्यों अलग से याद करेंगे बताइए अलग से याद करने की जरूरत है या सेम टू सेम है तो आपने कहा यस सर सेम है हाँ बिल्कुल चलिए आप ये काम कर लेंगे जैसे कि और पेपर में जैसे कि मैं बात कर लूँ कि आपको चलिए इसमें से तो हो ही गया हाँ इस वाली वैल्यू में से अगर मैंने कोई भी वैल्यू आपको ले ली चलिए तो यहाँ पर आ, कोई भी है ही नहीं इतना ईजी हाँ चलिए ये वाला मैंने वैल्यू ले लिया कि चलिए इसको आप किस में कन्वर्ट कीजिए इसको कन्वर्ट कीजिए किस में फ्रैक्शन में हाँ सॉरी परसेंटेज में कैसे करोगे ये लिखा है डबल कर दीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा ट्वेल्व और यहाँ पर ऊपर हो जाएगा फोर बाई थ्री अब ये तो इससे डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड हो रहा है तो इसमें एक और बढ़ जाएगा यानी कि थर्टीन पॉइंट में थ्री थ्री परसेंट में चला जाएगा ठीक है आप इस तरीके से भी कर सकते हो चलिए ये तो था आपका बिल्कुल बेसिक वाला पार्ट आप इसको तो कर दोगे इसमें किसी भी स्टूडेंट को समस्या नहीं है बोलो इतना याद हो गया चलिएगा अब बारी आती है कि अगर परसेंटेज टू फ्रैक्शन हमें करना हो तो कैसे करना है अरे कुछ मत कीजिए टेन परसेंट परसेंटेज टू फ्रैक्शन तो हुआ फ्रैक्स फ्रैक्शन से ही हुआ था सॉरी परसेंटेज टू फ्रैक्शन ही पढ़ना है देखिएगा परसेंटेज जैसे टेन परसेंट दिया सीधा सीधा सा कर दोगे वन बाई टेन अब लेकिन यहां पर एग्जाम की मतलब से मैं आपको इंपॉर्टेंट बताता हूं तो सुनिए अभी 12.5 परसेंट हमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा आपने कि यस सर कितना पढ़ा था वन बाई एट बोलिए पढ़ा था कि नहीं तो क्या मैं इनको वापस याद करवाऊं नहीं आप उसी में से कर लोगे लेकिन लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट डाटा जो एग्ज़ामिनर का इतना फेवरेट है इतना फेवरेट है इतनी बार देता है कि मुझे लगता है कि उसको जब कुछ भी माइंड में नहीं आता ना तो वो इसी चीज़ को ले लेता है तो क्या चीज है तो सुनिएगा 12.5 परसेंट को कितना लिखेंगे भाई वन बाई इसका डबल कीजिए इसका डबल कीजिए तो डबल होगा 25 परसेंट इसको क्या लिखेंगे टू बाई एट इसका ट्रिपल कीजिए तो 37.5 परसेंट इसको क्या लिखेंगे थ्री बाई एट इसका फोर टाइम्स कीजिए यानी की कि 50 परसेंट आप क्या लिखोगे फोर बाई इसका फाइव टाइम्स कीजिए बासठ पॉइंट पांच क्या लिखोगे पांच बटे सिक्स टाइम पिछहत्तर परसेंट को क्या लिखोगे छह बटे आठ एट्टी सेवन पॉइंट फाइव परसेंट क्या लिखोगे भाई सेवन बटा आठ हंड्रेड परसेंट अगला वाला आएगा हंड्रेड परसेंट आठ बटे आठ एक सौ बारह पॉइंट पांच परसेंट क्या लिखोगे नौ बटे में आठ एक सौ पच्चीस परसेंट क्या लिखोगे सीधा सा दस बटे में ये करोगे ये कि सर ये क्या कर दिया आपने ये क्या चल रहा है सर ये तो अलग ही चीज देखने को मिल रही है बिल्कुल अलग चीज़ देखने को मिल रही है आपको पेपर में ये जो दो नंबर नम, ये नंबर है एक दो तीन इतनी बार देखने को मिलेंगे कि आपको याद करने पड़ जाएंगे अब क्या है सुनिएगा ये कुछ नहीं है ये साढ़े बारह की टेबल है अब कहोगे सर टेबल हमने बारह की हमने पढ़ी सर छः की हमने पढ़ी सात की पढ़ी तेरह की पढ़ी लेकिन साढ़े बारह की टेबल नहीं पढ़ी इसमें अगर आपको मार्क्स चाहिए तो आपको साढ़े बारह का टेबल पढ़ना पड़ेगा साढ़े बारह को कितना लिखते हैं एक बटे आठ तो साढ़े बारह का टेबल सुनिएगा साढ़े बारह एकम साढ़े बारह साढ़े बारह दूनी पच्चीस तो दूनी मतलब दो बटे आठ साढ़े बारह साढ़े सैंतीस तो तीन बटे आठ साढ़े बारह चौक पचास चार बटे आठ साढ़े बारह पंजे बासठ पॉइंट पांच ये सिक्स पर ये सेवन पर और ये कितने पर एट पर ये कितने पर नाइन पर और ये कितने पर टेन पर तो कैसे लिखा है वो तो समझ गए जैसे थर्टी सेवन है अब कहोगे सर आपने कैसे याद किया अरे याद क्या किया बार बार इतनी बार देखने को मिले हैं मुझे एग्ज़ाम में याद हो गए आपको भी करने हैं साढ़े बारह साढ़े बारह बढ़ा दो पच्चीस फिर साढ़े बारह बढ़ा दो साढ़े सैंतीस फिर साढ़े बारह बढ़ा दो साढ़े बारह साढ़े बारह साढ़े बारह बढ़ाते जा रहे हैं बोलिए है साढ़े बारह का आप टेबल याद कर लोगे कि नहीं हो जाएगा याद आपको लग रहा होगा कि सर इतना डिफ़िकल्ट कोई डिफिकल्ट, डिफिकल्ट है नहीं है टेंशन ना लो मैं बोल रहा हूँ आपको कन्फर्म याद हो जाएगा पक्का याद हो जाएगा टेंशन मत लीजिए ठीक है सबको ये याद हो जाएगा पेपर में क्वेश्चन आता है ठीक है चलिएगा क्वेश्चन आता है आ, आप एक काम कीजिए अभी के लिए इसका स्क्रीन ले लो या अपनी नोटबुक में लिख लो अभी क्या करो नोटबुक में लिख लो और अब हम यहां से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिल्कुल जीरो लेवल जीरो लेवल के क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं चलिएगा ले लीजिए अगर स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए लिख रहे हो तो लिख लीजिए चलिएगा क्वेश्चन नंबर वन से हम स्टार्ट करते हैं ट्वेंटी परसेंट ऑफ एट हंड्रेड फाइंड आउट करो बहुत छोटा सा सवाल है ट्वेंटी परसेंट ऑफ एट हंड्रेड फाइंड आउट कीजिए कीजिए सर फाइंड आउट कीजिए यार जल्दी से कीजिए मैं आर आर बी पी ओ में था मैंने एक दो दिन पहले भी बताया था हा? सर लर्न नहीं कर पाते हैं मैं यहाँ पर आपको इतने क्वेश्चंस करा दूंगा इसी टेबल पर कि आपको परफेक्ट याद ही हो जाए क्योंकि जब मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लीऊंगा बार 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 मैं प्रैक्टिस भी करवाऊंगा आपको इतनी बार 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 तो ये आपको याद हो जाएंगे इतनी बार याद हो जाएंगे मतलब इतनी बार मैं लिखूंगा इनको कि आप बोलोगे सर आप पे डेली यही आता है मतलब इतने परेशान हो जाओगे ये बोलोगे सर डेली आपको यही आता है डेली आप यही लिख देते हो मैं इतनी प्रैक्टिस कराऊंगा टेंशन ना ठीक है चलिए वन सिक्सटी वन सिक्सटी वन सिक्सटी टेन कर लेते हैं कैसे सॉल्व करोगे देखिएगा अगर कभी भी ऑफ आता है तो ऑफ का मीन होता है इन टू बट कब जब वो दो नंबर्स के बीच में हो ऐसे तो ठीक है 800 है ओके 20 है अभी हमने सीखा सर परसेंट हो जब भी तो नीचे कितना लिख दो 100 ये तो है बेसिक तरीका ठीक है दो जीरो से दो जीरो सर ये कैंसिल 8 ये करोगे 116 ये हो तो हो गई 160 सर ये तो है छोटी क्लास वाले बच्चों के अकॉर्डिंग छोटी क्लास वाले थोड़े से बड़े बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं 20% ऑफ 800 हम इतना जानते हैं कि ऑफ का मतलब तो इनटू है ये पूरा एक ही पार्ट है तो थोड़े से बड़े बच्चे ये करते हैं परसेंट का मतलब नीचे सौ आएगा सौ का मतलब दो जीरो आएंगे दो जीरो से सीधे सीधे से ये दो जीरो उड़ा दो ना ये थोड़े से बड़े बच्चों का हो गया ठीक है ट्वेंटी इंटू एट जब हम करेंगे ट्वेंटी इंटू एट करेंगे तो वो यहां पर कौन सा हो गया वन सिस्टम बताइए कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? आप बोलोगे यस सर कर लेंगे चलिए और भी बड़े बच्चों की बात आती है ट्वेंटी परसेंट ऑफ एट हंड्रेड थोड़े और भी बड़े बच्चों की बात आती है तो सुनिएगा क्या कहते हैं कि सर ट्वेंटी परसेंट का मीनिंग क्या होता है कि हंड्रेड में से ट्वेंटी हंड्रेड में से ट्वेंटी 20, तो टू हंड्रेड में से कितने अगर डबल किए तो इसको भी डबल कर दो भाई नहीं बात समझ में आई ट्वेंटी परसेंट का मतलब परसेंट कितनी में से चलता है तो आप कहोगे सर परसेंट चलता है सौ में से सर सौ तो में से चलता है ठीक है अगर मैं पूछूं 20 परसेंट दो का निकालो तो आप क्या कहोगे 200 का 20 परसेंट कितना आएगा तो 200 मतलब 100 का डबल हो गया तो 20 परसेंट जो है उसका डबल कर दो तो, कितना हो गया 20 का 40 अब कहोगे ये 100 का कितना पर कितने टाइम्स है कितने गुना है तो आप बोलोगे सर ये है आठ गुना तो 20 का भी आठ गुना लिख दो ना पेन ही नहीं चलाना बीस का आठ गुना कितना हो गया एक खत्म बात बताइए पेन चलाओगे क्या ठीक है चलिए आगे सुन लीजिए आगे सुनिए यहाँ पर आगे अगर मैं इसमें बात करता हूं तो जैसे कि मैंने आपको दिया चालीस परसेंट ऑफ चार सौ पेन चलाओगे क्या आप पेन मत चलाना सीधा सा परसेंटेज से दो जीरो काटो और ये फिर से कितना हो गया एक सौ ऐसे करना है आई थिंक ऐसे सवालों को तो आप कर दोगे आपने कि सर इनमें कोई दिक्कत है एगा अब लेकिन जब ऐसी वैल्यू नहीं आए तो आपको क्या करना है सुनिए पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है फोर्टीन पॉइंट टू एट परसेंट ऑफ फोर्टीन पॉइंट टू एट परसेंट ऑफ नाइंटी वन फाइंड आउट की इसको अब इसको सॉल्व कीजिएगा। अब बताइए, अब आपको अगर जो चीज मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले सिखाई थी, अगर आपको वो चीज नहीं आती ना, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर देने में बहुत सारा टाइम लगा दोगे। अब सिंपलीफिकेशन तुम पढ़ते हो, तो फोरटीन पॉइंट टू एट परसेंट ऑफ नाइंटी वन प्लस में ऑफ uh, ट माइनस में कुछ ऐसे डॉट 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 इक्वल टू बोलो ऐसा ही पढ़ते हो जब आपको ये पार्ट आता होगा तभी तो वही पूरे को कर लोगे तो ये आंसर आपको दे चलिए दीजिए डिया ने आंसर दिया है थर्टीन हाँ बाकी फ्रेंड्स भी देंगे बाकी फ्रेंड्स भी देंगे फोर्टीन पॉइंट टू एट परसेंट अभी अगर आपको याद है तो परसेंट के सहित मैं इसको क्या लिख सकता हूं वन बाई ऑफ का मतलब इन टू में कितना हो गया ये बोलो हो गया सेवन से आप इसको सीधा सीधा कैंसिल आउट करोगे कितना हो गया थर्टीन खत्म ऐसे करना है नहीं सेवनटीन नहीं थर्टीन ये है आपके सवाल का अब समझ में आया मैं इनको क्यों याद करवा रहा था ठीक है अब आपको समझ में आया चलिएगा अगला मैं क्वेश्चन देता हूं कि थर्टी सेवन पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ थर्टी सेवन पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ सिक्स फोर जीरो फाइंड आउट कीजिए जगह कि कितना आपका आंसर आएगा चलिए चलिए जल्दी चल से हम्म लास्ट का थर्टीन 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 एंड वेस्ट है थर्टीन सबसे अच्छा आंसर दिया है सभी ने सही दिया है चलिए थर्टीन इसका आंसर दीजिए टू फोर्टी टू फोर्टी चलिए देखिएगा इसको हमें देखना है तो इसको हम लिखेंगे थ्री बाई एट इन टू अब थ्री बाई एट कैसे अभी आप समझ गए होंगे कि मैंने अभी आपको सिखाया था थ्री बाई एट इन टू ये हो गया यहां पर इसको आठ से ऐसो करेंगे तो आठ इंटू आठ चौसठ ये जीरो है ही तीन इंटू अस्सी करोगे कितना आ गया दो सौ चालीस अब बताओ इसमें टाइम लगेगा आप कहोगे तो नहीं सर ये तो अब तो ये हो गया पहले देखने में कैसा लग रहा था बहुत डिफिकल्ट लग रहा था सर टाइम लगता है इसको सॉल्व करने में बट अब लगेगा क्या अब कहेंगे नहीं लगेगा सर अब तो हो गया ये आसान एक क्वेश्चन में यहां पर और लिखता हूं ऐसा लास्ट और फिर हम आगे की तरफ में बढ़ जाएंगे तो आपका क्वेश्चन है 80 हाँ चलिए एट्टी सेवन सिक्सटी टू पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ फोर जीरो नाइन सिक्स चलिएगा सॉल्व कीजिएगा इस वाले टाइप में ये लास्ट क्वेश्चन है इस वाले टाइप में है मैंने ये नहीं बोला आज का लास्ट है अभी हम बहुत करेंगे बट ये वाले टाइप में और फिर हम टाइप चेंज कर देंगे ध्यान रखिएगा ऐसे देखो टाइप डालते जाओ हम ये टाइप नंबर वन स्टार्ट कर लिया टाइप नंबर वन स्टार्ट कर लिया इससे पहले तो बिल्कुल जीरो लेवल बिल्कुल बेसिक ही पढ़ा था उसका तो कोई टाइप ही नहीं है बट ये टाइप हो गया ऐसे मानो ये टाइप नंबर वन है ऐसे टाइप बाइज टाइप हम पढ़ते जाएंगे बहुत सारे टाइप हैं यहाँ पर तो हमको टाइप बाई स्टाइप देखना है चलिएगा कीजिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए ये क्वेश्चन आपके लिए है आंसर आया है एक हजार साठ एक आया है पच्चीस सौ साठ चलिए देखें कैसे सॉल्व करना है इसकी वैल्यू हमको याद होनी चाहिए इसकी वैल्यू है फाइव बाई एट इन टू फोर जीरो नाइन सिक्स एट से इसको हमको डिवाइड करना है एट से पहले इसको करेंगे फोर्टी को तो यहाँ पर कितनी बार हुआ फोर्टी को जैसी करते हो तो फाइव टाइम्स फिर आप नाइन को करोगे तो कितनी बार हुआ वन फिर यहाँ पर वन कह रही तो सिक्सटीन हो गया कितनी बार हुआ बोलिए अब आपको पाँच सौ बारह में इन कितने करने हैं पाँच करने हैं आप चाहो तो सीधा सीधा सा करो और आपको टाइम लगता है तो मैं आपको ट्रिक पहले भी बताई है पच्चीस साठ इस सवाल का क्या हुआ आंसर यहाँ पर पच्चीस साठ आपके सवाल का क्या है आंसर एक हजार साठ नहीं है टू फाइव सिक्स जीरो ये हुआ आपके सवाल का आंसर चलिएगा यानी कि अगर आपको सवाल में परसेंटेज मिलती है तो आप उसको सॉल्व कर देंगे बट अब इसका उल्टा भी आपको एग्जाम में देखने को मिलता है वो क्या है चलिए देख लेते हैं अब आ जाते हैं अगला क्या आ जाता है वो सुनिए 200 800 का कितना परसेंट है यानी कि अब जो आपको आंसर देना है अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं तो आपको जो आंसर देना है वो परसेंटेज में देना है अभी तक परसेंटेज खुद था अठाना था बट अब आपको परसेंटेज में देना है ये आपका टाइप नंबर टू है टाइप नंबर कौन सा है टू है आप इसको ट्राई कीजिएगा कि 200 800 का कितना परसेंट है यानी कि 200 इज वाट परसेंट ऑफ 800 यानी कि 200 200 के बारे में बताना है कि वो कितना परसेंट है कितने का 800 का लेट सी ट्राई कीजिएगा आप पहले फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं बट इसके साथ इस में इसमें मैं आपको सबसे बेस्ट जो चीज़ है वो भी बताने वाला हूँ इसमें बहुत बेस्ट चीज आने वाली है जो आपका डी पढ़ते हो ना सुनिएगा डी जो पढ़ते हो ना अगर आपने ये सब चीजें सीख ली तो जो डी में परसेंटेज के क्वेश्चन आते हैं उनमें आप कभी भी मात नहीं कहोगे आप परफेक्ट हो जाओगे और हाँ आज पेड़ क्लास में डी स्टार्ट किया है ना जीरो लेवल का बताया था तो मैंने उनको यहाँ समझाया भी था बट वहाँ डिटेल में नहीं समझाया परसेंटेज क्यों क्योंकि वहाँ डीआई पर फोकस कराया था डीआई में तो वो परफेक्ट हो गए बढ़िया उनको समझ में भी आया ठीक है लास्ट में फीडबैक भी लिया था कि भाई किसी को दिक्कत तो नहीं तो वो सब भी बट अब यहाँ पर बारी आती है कैसे करेंगे सुनिएगा सुनना बड़े ध्यान से इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है बट आप सुनिएगा 200, 800 का कितना परसेंट है ऑफ़ हंड्रेड इज वाट सॉल्व अगर आपको सवाल का आंसर परसेंटेज में देना है किसमें देना है भाई परसेंटेज में देना है ना कि परसेंटेज अठानी है तो जब भी आपको परसेंटेज में आंसर देना है तो आप एक फ्रैक्शन बनाइए और उसमें इंटू कर दीजिए आपको याद है अरे यार याद है ना कि मैं ये था एक बटे दो इसको किस में कन्वर्ट कीजिए परसेंटेज में कैसे करते थे फ्रैक्शन होता था जो फ्रैक्शन वैल्यू होती थी उसी में कितने का मल्टीप्लाई कर देते थे हंड्रेड का मतलब जो भिन्न होती थी उसी में तो आप हंड्रेड का मल्टीप्लाई करते थे तो परसेंटेज में आंसर देने के लिए आपके पास में पहले से भिन्न होनी चाहिए जिसमें हम हंड्रेड का क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें भी आपको पहले भिन्न बनानी है अब यहां पे सुनिए ये तो छोटा सा सवाल है बट मैं आपको बता देता हूं कि भिन्न में एक नंबर ऊपर आता है एक नीचे आता है ऊपर कौन सा आता है जिसके बारे में पूछा जाए फिर से लिखता हूं जिसके बारे में पूछा जाए जिसके बारे में पूछा जाए उसको कहां लिखना है ऊपर और नीचे कौन सा आएगा सर कितने में से पूछा जाए आपको ये बच्चों वाली चीज लग रही होगी सर ये क्या लिख दिया इतनी शुद्ध हिंदी लिख रहे हो मतलब ये क्या लिखा है अरे ये बहुत कुछ है एक बार आप इसको नोट कर लो मैं बता रहा हूं कल तक इस मैट अगर आपने ये नोट नहीं किया तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे कल तक आप बहुत गलती करोगे इसको नोट कर लो आपकी कोई भी गलती नहीं जाएगी ये मेरी गारंटी अगर इस टाइप का या क्या इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ गया तो ऊपर किसको लिखते हैं जिसके बारे में पूछा जाए अब कहोगे इसमें क्या है सर सुनिएगा पूछा किसके बारे में 200 800 का कितना परसेंट बोलो किसके बारे में पूछा आपने की सर 200 सौ के में इसमें भी देख लेते हैं टू इज what परसेंट ऑफ 800 किसके बारे में पूछा है 200 का किस 200 कितना है तो हम ऊपर किसको लिखेंगे 200 को कितने में से पूछा है कि 200 800 का कितना है ऑफ 800 तो नीचे किसको लिखेंगे 800 को तो यही हो गया ये यहां से कैंसिल आउट हुआ 4 1/4 हुआ सीधा सा हो गया 25% परसेंट बोलिए कर लोगे कि नहीं मुझे पता है मैंने ज्यादा ही आपको समझाया है बट अभी देखना कि कई स्टूडेंट तब भी मिस्टेक कर सकते हैं अब कुछ मेरे फ्रेंड्स के पास में एक कॉन्सेप्ट होता है उनका कॉन्सेप्ट सुनिएगा उनका कॉन्सेप्ट होता है हिंदी मीडियम वालों के पास में कि सर जिसके पीछे का हो उसको नीचे लिखना बाकी को ऊपर लिख देना मैं कहूंगा सही बट ये लल्लू वाले टाइप के सवाल हैं जो पेपर में कभी नहीं आते कहेंगे सर आप क्यों करा रहे हो क्योंकि इनके बिना आपको जो अगले सवाल हैं वो आएंगे नहीं नहीं समझे सवाल आएंगे बड़े बट जरूरत पड़ेगी इन्हीं की ये सवाल आपको एग्जाम में नहीं आएंगे इनकी ज़रूरत पड़ेगी जब आपके बड़े हो पाएंगे तो इसलिए हमको ये आना जरूरी है बट जब बड़ा सवाल आएगा तो वहाँ पर ये का की के अगैरह वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा लैंग्वेज आपको समझनी पड़ेगी इंग्लिश वाले स्टूडेंट कहते हैं सर स्मॉल नंबर को ऊपर लिखिएगा ग्रेटर को नीचे लिखिएगा नहीं भाई ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ठीक है ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है चलिए कर देंगे तो इसी क्वेश्चन में मैं चेंज करके आपको एक क्वेश्चन बोलता हूँ सुनना एक क्वेश्चन है कि 600, 600, 800 का कितने परसेंट है इसका आंसर दे दीजिए चलिए सिक्स हंड्रेड एज वाट परसेंट ऑफ एट हंड्रेड चलिएगा इसका जल्दी से मुझे आंसर दे दीजिए कि आपका इसका आंसर कितना आ रहा है चलिए दे दीजिए इसका आंसर 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 इसका आया दो सौ से ये चार चार से ये पच्चीस पच्चीस इंटू तीन कितना होता है पिछहत्तर परसेंट और अगर किसी ने फ्रैक्शन वैल्यू याद की थी तो थ्री बाई फोर से सीधा सा कह सकता है कि सर वन बाई फोर होता है ट्वेंटी फाइव परसेंट तो अगर मैं थ्री बाई फोर करूं तो सर सेवेंटी फाइव परसेंट होगा कि नहीं होगा अरे यार उसका थ्री टाइम्स तो थ्री टाइम्स हो गया कि नहीं होगा आप कहोगे हम इसमें परफेक्ट हो okay? गए अगले आ जाइए तो अब अब आपका टेस्ट स्टार्ट होता है वाला सुनिएगा दो इंसान हैं ए दूसरा इंसान है बी मान लो के ए जो है इंसान है वो दस हजार रुपए कैरी करता है उसके पास दस हजार रुपए हैं बी है इसके पास में पंद्रह हजार रुपए हैं ये रुपए हैं ठीक है ये दस हजार रुपए रखता है ये पंद्रह हजार रुपए रखता है सवाल को सुनिएगा सवाल नंबर वन क्वेश्चन नंबर वन जो भी स्टूडेंट जो भी मेरे फ्रेंड्स आंसर दें तो वो क्वेश्चन नंबर जरूर लिखिएगा मैं यहाँ पर आपको चार क्वेश्चन दे रहा हूँ अगर आपने ये चार क्वेश्चन कर लिए तो समझ जाओ आपका जो बेसिक है परसेंटेज का एकदम स्ट्रांग हो चुका है मजबूत हो चुका है आगे आपको परेशान नहीं होना है बस कॉन्सेप्ट नई नई टाइप पढ़ने हैं फिर तो चलिए चलिएगा सुनिए पहला क्वेश्चन ए के पास बी से पहले सरल सा लिखता हूं ए के पास बी का कितने परसेंट धन है क्वेश्चन है ए के पास बी का कितने परसेंट धन है चलिए दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नंबर टू में लिख देता हूं बी के पास ए का कितने परसेंट धन है को तो इंग्लिश में लिख देता हूं ए इज पार्ट परसेंट ऑफ बी बी इज पार्ट वाट परसेंट ऑफ ए चलिएगा ये दो क्वेश्चन आप लोगों के सामने है पहले इन दोनों का आंसर आप देंगे फिर मैं तीसरा और चौथा सवाल लिखूंगा एक बार मैं कमेंट पढ़ लेता हूँ हाँ अच्छा दिया अच्छा आंसर दिया सिंधे विवेक और सुभाषी गुप्ता बिल्कुल करेक्ट एंड नेचुरल ओके ट्वेंटी परसेंट चलिएगा देखते हैं बाकी सभी जल्दी से इसका आंसर दीजिए सभी इसका जल्दी से मुझे आंसर दीजिए सभी जल्दी से दीजिए आंसर चलिए एक सौ पॉइंट छियासठ एंड टू फिफ्टी नहीं बेटा क्या लिखा है टू पॉइंट वन फाइव ओके लेट्स सी क्या लिखते हैं आप क्या कर रहे हैं हम देखते हैं चलिए बाकी आंसर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर टू का है वन फिफ्टी परसेंट ओके चलिए सी पहले फर्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं आंसर अगर हमको करना है सीधी सी बात है सर परसेंटेज पूछा है सर फ्रैक्शन बना के हम इनटू कर देंगे सौ सर किसके बारे में पूछा है सर ए के पास पूछा है सर ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी सर ए के बारे में पूछा ए को ऊपर लिख दीजिए सर ए का कितना है सर दस हजार है सर दस हजार लिख दिए बी के पास कितना है ये पूछा है तो बी के पास कितना है पंद्रह हजार है सर पंद्रह लिख दिया बोलिए कर देंगे कि नहीं इसकी शॉर्ट भी बताऊंगा टेंशन ना लो इसको रेशियो में भी लिख लेते हैं आप कहोगे सर हमको इसका शॉर्ट आता है अरे मैं भी बताऊंगा टेंशन ना लो अभी बताऊंगा शॉर्ट टेंशन ना लो बताऊंगा अब थ्री जीरो जीरो कैंसिल अब इसको पांच से काटोगे दो बार और ये तीन दो बटे तीन हो गए अब बताओ दो बटा तीन को जल्दी से कैसे सॉल्व करोगे दो बटा तीन को सर हम ऐसे सॉल्व करेंगे कि हम जानते हैं कि सर एक बटा तीन होता है वो होता है तैतीस परसेंट तो दो बटा तीन कितना हुआ छियासठ पॉइंट छियासठ परसेंट नहीं आया समझ में अरे यार एक बटा तीन परसेंट को कितना लिखते हैं तैंतीस पॉइंट तैतीस तो इसको बताओ दो बटा तीन को क्या लिखोगे छियासठ पॉइंट छियासठ फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है छियासठ पॉइंट छियासठ मुझे मालूम है कि ये गलतियां होती ही होती इसलिए यही तो टाइप के मैं आपको पहले आया हूं कि ये नहीं हो। इसमें आंसर में बात कर लेते हैं तो फिर से परसेंटेज में आंसर देना है फ्रैक्शन बनाकर इन टू सो बट किसके बारे में पूछा है सर इसमें बी के बारे में पूछा है बी के पास सर कितने पंद्रह पंद्रह हजार और इसके पास में कितने सर दस हजार ठीक है सर तीन जीरो से तीन जीरो सर पांच से ये तीन बार सर ये दो दो से आप इसको काटोगे पचास और तीन का गुणा करोगे सर डेढ़ सौ परसेंट तो इस क्वेश्चन का तो आंसर है डेढ़ सौ और इसका है छियासठ पॉइंट छियासठ अच्छा क्वेश्चन नंबर लिखा था ओके ओके ओके, ओके सॉरी 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 वो आपने टू के आगे तो डैश लगाया बट वन के आगे नहीं लगाया तो वो गड़बड़ हो गई ओके सॉरी चलिए बहुत बढ़िया एकदम करेक्ट आंसर दिया फिर तो सब ने फिर तो किसी का भी गलत नहीं है सबका एकदम कैसा है सही है चलिएगा ये दो क्वेश्चन आप सीख गए कि नहीं सीखे ये दो क्वेश्चन सीख गए कि नहीं सीखे अब आगे बात आ जाती है कि सर अगला क्या है तो सुनिएगा अगला क्या है क्वेश्चन नंबर थ्री को देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री सुनिए B से कितने परसेंट कम धन है कम बताना है बताइएगा ए के पास बी से कितने परसेंट कम धन है चलिए बताइए अगले वाले क्वेश्चन का आंसर चलिए दे दीजिए आंसर इस वाले क्वेश्चन का आप आंसर क्या देते हो अब कहोगे कि सर यहां जो क्वेश्चन लिखा है ये वाला और ये वाला इसमें तो कोई अंतर हमको लग नहीं रहा है है इसमें अंतर इसमें अंतर है बहुत बड़ा अंतर है सुनिएगा बस मुझे आपको यही सिखाना हाँ थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री डेट सुनिए इस वाले में सीधा सीधा पूछा कितने परसेंट धन है इसमें पूछा कितने परसेंट कम है धन नहीं पूछा है कितना कम है पूछा है तो कैसे आंसर देते हैं फ्रैक्शन बनाएंगे इनटू तो सौ करेंगे ही करेंगे इनटू तो सौ करेंगे ही करेंगे लेकिन ये पूछा है कितने परसेंट कम है तो कैसे आंसर दे दीजिए तो सुनिए ए के पास है दस के पास है पंद्रह हजार रुपए बोलो कितने कम है तो आप कहोगे सर पांच हजार कम है तो ऊपर उसको लिखते हैं जिसके बारे में पूछा जाए आपको पूछा कितना कम है तो आप कहोगे सर पांच हजार कम है तो हमको कम वाली वैल्यू लिखनी है पॉइंट समझ में आया कि कितना कम है पांच हजार लिखना है डायरेक्टली नीचे किसको लिखेंगे मैंने अभी हिंदी में लिख के बताया था ना जिसके जिस आ, जितने में से पूछा जाए तो बताओ ये पांच हजार कम है वो दस हजार से कम हुआ या पंद्रह हजार से तो आप कहोगे सर ये पंद्रह हजार से कम है कम किससे हुआ है पंद्रह हजार से ये तीन जीरो पांच से से तीन एक वटा तीन हो गया यानी कि तैतीस पॉइंट परसेंट चलिए सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कर देंगे कि नहीं कर देंगे सब इसको कि नहीं कर देंगे आप कहोगे यस सर उड़ा देंगे अब तो कोई समस्या बची ही नहीं है परफेक्ट हो गए चलिएगा तो अगला क्वेश्चन सुनिए यहां पर आ जाएगा अगली बार में आपको बी के बी के पास और यहां पर आ जाएगा आपको कि बी के पास ए से कितना परसेंट अधिक धन है चलिए इसको और उड़ा दीजिए एक बार तो फिर आपका बेसिक होता है खत्म और उसके बाद में हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर आंसर दिया ट्वेंटी परसेंट लेट सी बी के पास कितना ज्यादा है हमने देखा बी के पास कितना ज्यादा है पांच हजार ज्यादा है पांच हजार ज्यादा है तो ऊपर तो लिखेंगे पांच हजार बोलो लिखेंगे कि नहीं आंसर देखिएगा बी के पास में कितना ज़्यादा है तो इस बार बताओ बी का लिखेंगे या अधिक वाला लिखेंगे तो बताओ यहां पर अगर इसको देखें बी के पास कितना अधिक है तो अधिक तो उतना का उतना ही है पाँच हज़ार लेकिन ये बताओ इस बार अधिक कितने से है दस हजार से या पंद्रह से तो आप कहोगे सर दस हजार से तो नीचे लिखने हैं दस हज़ार सीधा सा ये इससे कैंसिल आउट कितनी बार दो बार कैंसिल आउट कर दो फिफ्टी परसेंट ये हुए सवाल के आंसर समझ में आया आपको या नहीं आया ये था बिल्कुल आपका बेसिक बिल्कुल जिन्होंने भी फिफ्टी दिया उनका सही है लेकिन ये बाकी फ्रेंड्स कहाँ गए भाई एक बार या तो ये लिखो सर समझ में नहीं आया या ये लिखो सर समझ में आ गया लेकिन आपने थोड़ा स्पीड में कराया हम आंसर नहीं दे पाए ये खामोशी से तो काम नहीं चलेगा ठीक है खामोशी से काम नहीं चलेगा खामोशी नहीं जल्दी से मुझे आंसर दे दीजिए जल्दी से मुझे आंसर दीजिए और अब मैं इसका तुमको शॉर्ट कट मैथड बताता हूँ शॉर्ट कट सुनिएगा ए बी ए के पास कितने हैं दस हजार रुपये हैं बी के पास कितने हैं पंद्रह हजार रुपये हैं बोलो हैं के नहीं बोलो हैं के नहीं आप बोलोगे यस सर और शॉर्ट कट क्या है शॉर्ट कट सुनना शॉर्ट कट सुनिए अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर परसेंटेज में पूछे ठीक है हाँ रिंकी समझ में आ गया जी सर बिल्कुल ऐसे आंसर देना है सभी फ्रेंड्स को आंसर जरूर देना है कि समझ में आया कि नहीं आया सेकंड हाँ आज काफी न्यू स्टूडेंट हैं जो पहले नहीं थे तो एक बार आप सभी वीडियो को लाइक जरूर करें आज मुझे टाइम नहीं मिला मैंने कंटिन्यू ली तो एक बार लाइक जरूर करनी है एंड दूसरा चैनल को आपको करना है सब्सक्राइब एंड थर्ड मैं आपको बोलूं अगर आपको PDF चाहिए जैसे क्वेश्चन के लिए चाहिए सर प्रैक्टिस हमको करनी है तो प्रैक्टिस के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो मिस्टर क्वांट के नाम से मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिल जाएगी टेस्ट लगाना है फ्री ऑफ कॉस्ट ऐप डाउनलोड कर सकते हो वो भी सेम नाम से मिल जाएगा चलिए सबको समझ में आ गया वेरी गुड सुनिएगा शॉर्टकट क्या है सुनिए जब भी आपको सवाल का आंसर किस में पूछा जाए परसेंटेज में पूछे क्वेश्चन का आंसर किस में पूछे परसेंटेज में पूछे तभी शॉर्ट लगाना है शॉर्ट क्या है आप इन वैल्यू का यूज ही मत करो इन्हीं का ले लो रेशियो इनका क्या ले लो रेशियो कैसे लोगे थ्री जीरो थ्री जीरो फाइव से कैंसिल आउट करोगे ये टू और ये आ गए थ्री तो आप उनकी पूरे सवालों की कैलकुलेशन सिर्फ टू और थ्री के अकॉर्डिंग करना टू और थ्री के अकॉर्डिंग करना आपके जो आंसर हैं परसेंटेज में जितने भी चार क्वेश्चन मैंने करा चारों को सॉल्व करके देखो परफेक्ट आएंगे पहला क्वेश्चन क्या था पहला क्वेश्चन था कि ए बी का कितने परसेंट है बोलो था कि नहीं तो कैसे लिखोगे ए के बारे में पूछा है सर ऊपर इन टू बटे में नीचे ये बोलो कितना हो गया छियासठ पॉइंट छियासठ परसेंट बताइए क्या डिटेल में करने की जरूरत है मैं आपको शॉर्ट भी बताऊंगा और बेसिक भी बताऊंगा दूसरे वाले में क्या पूछा था कि बी ए का कितने परसेंट है सेकंड क्वेश्चन यही है ना सेकंड वाला जल्दी में इतना भी जल्दी नहीं लिखना चाहिए कि समझ कितने परसेंट है तो ऊपर किसको लिखोगे बोलो यही लिखोगे क्या नहीं लिखोगे अरे बी के बारे में ही तो लिखोगे आप यही लिखोगे चलिए धनवंती नहीं आया चलिए तो एक बार आप मुझे वापस बताइए मैं आपको वापस बता देता हूँ है ना चलिए या फिर आप ये बताइए कि मैंने आपको वीडियो यहां से ली थी आ, वो फॉर्मूला कहाँ गया भाई चलिए वो तो खो गया मैं वापस से बता सुनिए अगर नहीं आया तो मैं आपको बता देता हूं सुनिए सवाल मैंने पूछा बी ए का कितने परसेंट है तो जब भी परसेंट में आंसर देना है फ्रैक्शन बनाओ इन टू कितना कर दो सौ एक नंबर ऊपर आएगा एक नीचे आएगा ऊपर कौन सा आएगा जिसके बारे में पूछे ये लिख लेना जिसके बारे में पूछे और नीचे जितने में से पूछे बस ये चीज याद कर लो आपके सवाल के सब के आंसर आ जाएंगे अब मुझे सुनिएगा मैं शॉर्ट मेथड से बता देता हूं इन नंबरों की जरूरत नहीं है देखो मुझे पूछा है कि बी ए का कितने परसेंट है ये पूछा है तो फ्रैक्शन बनाओ इन टू लिखो सौ ऊपर जिसके बारे में पूछे किसके बारे में पूछा है कि बी ए का कितना है तो बी के बारे में पूछा है तो बी ऊपर लिखो बी कितना है थ्री कितने में से पूछा है ए तो ए कहां लिख दो नीचे बस हो गया आप इसको कैंसिल आउट करोगे ये 50 50 इंटू थ्री करोगे 150 परसेंट बताओ यही सवाल का आंसर था कि नहीं था आप बोलोगे यस यह सर यही था यही था बताइए समझ में आ गया क्या नहीं ओके अब मैं आपको बता देता हूं पीडीएफ के बारे में और बाकी की सब जानकारी यहां पर तो सुनिएगा सुनिए देखिएगा यहाँ पर जो ये क्लास चल रही है ये मैंने बैच स्टार्ट किया है मिशन बैंक पी ओ दो हज़ार चौबीस जिसकी क्लास आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है डेली नौ बजे से क्लास लगती है केवल और केवल इतने दिन से जब से स्टार्ट किया है कल का एकमात्र दिन ऐसा था होली की वजह से कि क्लास नहीं लग पाई होली तो परसों भी थी लेकिन परसों क्लास लगी थी कल क्या था कि कलर्स वगैरह ज़्यादा हो गए थे तो स्टूडियो वगैरह पूरा सेटअप नहीं हो पाया तो उस वजह से कल की क्लास मुझे मिस करनी पड़ी बाकी एक भी क्लास आपकी मिस नहीं है और ना ही आगे होगी नौ बजे से हम कंटिन्यू पढ़ते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट कराने वाला हूँ क्वांट आपका पूरा करवाऊँगा रीजनिंग भी पूरा करवाऊँगा बट देखिए मैं आपको बेसिक भी लेकर चल रहा हूँ आपको ट्रिक भी सिखा रहा हूँ लेकिन इतना करने के बावजूद भी आपका ओनली इतने से सिलेक्शन नहीं होगा आपको एक्स्ट्रा मेहनत भी करनी पड़ेगी मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई थी अभी कुछ दिन पहले शायद परसों ही या कल बनाई थी दस से बारह मिनट की दस बारह मिनट की या चौदह मिनट की थी सॉरी उसमें मैंने आपको बताया था क्वेश्चन कौन से टॉपिक से कितने आते हैं कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है कितने क्वेश्चन आते हैं तो उसमें पूरा एनालिसिस था कि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे पजल कौन से देखने को मिलेंगे सबसे ज़्यादा मिलेंगे पजल फिर मैथ की बात करें तो डी इसीलिए इनका मैंने एक स्पेशल बैच स्टार्ट किया है ये पेड़ बैच है ये आपको पेड़ बैच है जो भी फ्रेंड्स अगर इस बैच को लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं आप ले सकते हो आप इसमें क्लास लीजिए पढ़िए होमवर्क भी मैं आपको दूंगा फ्री पीडीएफ चाहिए या पेड़ वाली चाहिए दोनों ही मिल जाएंगी देखिए पेड़ वाली में तो मिलेंगी आपको पज़ल की और डी की फ्री वाले में मिलेंगी जो मैं परसेंटेज पढ़ा रहा हूँ उसकी तो दोनों ही आपको मिल जाएंगी तो आपको वो पी चाहिए तो आप प्ले स्टोर से मिस्टर क्वांट ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए इस ऐप पर आपको सभी पीडीएफ हैं वो मिल जाएंगी ठीक है पीडीएफ मिल जाएंगी और जो भी फ्रेंड्स इस बैच को लेना चाहते हैं कोई बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं है आठ सौ रुपये इसकी कॉस्ट है ये यहाँ पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो पूछ सकते हो अगर पेड कोर्स लेने में कोई समस्या आ रही है या ऐप ओपन नहीं हो रहा या सर पीडीएफ नहीं मिल रही है सर हम टेस्ट नहीं लगा पा रहे हैं मैंने टेस्ट भी डाले हुए हैं तो वहां पर आप टेस्ट भी लगा सकते हो पेड़ वाले बैच में भी टेस्ट आ, चालू हो गए हैं वहां भी आप टेस्ट लगा सकते हो अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे पूछ सकते हो मैं आपको सब बता दूंगा ठीक है कल से पेड़ वाले में स्टार्ट हो जाएंगे हाँ पेड़ वाले स्टूडेंट भी यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो सुनिएगा कल से आपके स्टार्ट हो जाएंगे तो उस बात को ध्यान रखिएगा ठीक है तो ये आप बैच लेना चाहो तो सभी स्टूडेंट इसको ले सकते हैं दूसरी इस बैच की लास्ट डेट है भाई 31 मार्च तक है ये होली का स्पेशल समझो 31 मार्च तक है इसके बाद में ये बैच भी क्लोज हो जाएगा या इसकी फीस क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी जो बाकी के स्टूडेंट ले चुके हैं वो पढ़ रहे हैं कंटिन्यू और आज पहली क्लास हुई है डीआई की और वो भी मैंने बिल्कुल जीरो लेवल से लिया है जैसे कि आज मैंने परसेंटेज लिया है आपने देख लिया होगा मैंने परसेंटेज कैसे पढ़ाया है डिटेल में पढ़ाया है या एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट किया तो ऐसे ही मैंने डीआई स्टार्ट किया एकदम जीरो लेवल से मतलब उन स्टूडेंट के अकॉर्डिंग जिनको मैं मान के चल रहा हूँ कुछ नहीं आता उनके अकॉर्डिंग ठीक है तो आप ये बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हो फर्स्ट क्लास हुई है वैलिडिटी की अगर बात करूं तो ये आपकी एक साल तक रहेगी और आप आगे भी करना चाहो तो ये आपके पास में लाइफ टाइम रहेगा दूसरा स्टूडेंट के मन में ये आता है कि सर लाइव ही देखना है क्या रिकॉर्डेड नहीं आप रिकॉर्डेड चाहे जितनी बार देखो पूरे साल में आपको जितनी बार देखनी है उतनी बार देखो ये आपके पास में हमेशा रहेंगे ठीक है ये आपके पास में हमेशा रहेंगे चलिए तो ये मेरी एक तरफ से एक जानकारी थी अगर आप लेना चाहो तो आप ये ले सकते हो और बाकी हम मिलेंगे अब कल सभी स्टूडेंट को गुड नाइट अपना ध्यान रखें धन्यवाद भाई